करो थाना के निवर्तमान थाना प्रभारी नरेंद्र प्रसाद सिंह को विदाई समारोह आयोजित कर दी गई विदाई। सोमवार को करो थाना के निवर्तमान थाना प्रभारी नरेंद्र प्रसाद सिंह को करो थाना में विदाई समारोह आयोजित कर विदाई दी गई। इस अवसर पर सबों ने अपने संबोधन में कहा कि अवकाश प्राप्त थाना प्रभारी नरेंद्र प्रसाद सिंह के प्रशासनिक सूझबूझ से फलस्वरूप क्षेत्र में अमन चैन कायम रहा। कठिन से कठिन परिस्थिति में समस्याओं को सुलझाने में इनको कोई परेशानी नहीं हुई। प्रखंड विकास पदाधिकारी अमल जी इनके गुणों पर प्रकाश डालते हुए इन्हें योग्य प्रशासक की संज्ञा दी। समाज सेवी राहुल सिंह ने कहा कि थाना प्रभारी के रूप में ये जनता के प्रति उत्तरदायित्वों को बखूबी निभाए। मौके पर करो थाना प्रभारी हुसैन मियाँ, अंचल निरीक्षक महिला मधुपुर प्रभारी रूबी एड्रिन मिंज, चित्रा थाना प्रभारी अनिल शर्मा, मार्गोमुंडा थाना प्रभारी राजीव कुमार, एसआई अनूप कुमार, भागीरथ महतो, अब्दुल कलाम, सुभाष रजक समेत गणमान्य लोग उपस्थित थे। मंच संचालन दिलीप यादव ने किया। जिलों में विभिन्न थानाओं में अपनी सेवा को दिए। विगत एक वर्ष पूर्व मैं भी इस अनुमंडल में एसडीपीओ के रूप में आया और उसी दरमियान उसी वक्त थाना प्रभारी भी जो है ये पोस्टिंग हुई। ये क्षेत्र मेरे लिए भी नई थी और थाना प्रभारी भी यहाँ के नए थे, लेकिन मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूँ कि किसी भी थाना प्रभारी के कार्यकाल का अगर विश्लेषण अगर आप करेंगे तो उनके कार्य के दौरान क्षेत्र में घटित घटनाओं और उसके उद्भेदन के रूप में अगर विश्लेषण करेंगे तो उस थाना प्रभारी के कार्यकाल का अंदाजा लगाया जा सकता है। मैं गर्व के साथ ये कहना चाहूँगा कि विगत एक वर्ष में किसी भी तरह की लूट, डकैती, हत्या या कोई भी गंभीर अपराध की घटना घटित नहीं हुई। ये हमारे निवर्तमान थाना प्रभारी के एक सफल नेतृत्व का, उनके कड़ी मेहनत का नतीजा है कि अपने सेवा काल के अंतिम वर्षों में भी जिस तरह से इन्होंने अपने कार्यों का निष्पादन किया, मुझे कभी भी किसी भी मामले में करो थाना में आना नहीं पड़ा। कोई भी लॉ एंड ऑर्डर के समस्या को लेकर नहीं आना पड़ा। इसके लिए मैं वर्ष में जो है दो बड़ी चुनाव, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से इनके नेतृत्व में इस प्रखंड में इस थाना क्षेत्र में शांतिपूर्ण ढंग से समापन हुई। समीप के थाना में कभी भी किसी भी मामले को लेकर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होती थी तो ये अपने टीम के साथ वहां उपलब्ध हो जाते थे। ये अपनी सेवा पथरौल हाल में पथरौल करों से कट के जो है नया थाना बना, नए थाना प्रभारी आए, इनका काफी उसमें योगदान।